ओम श्री साईनाथ साक्षात् शिव महादेवाय नमः। तो ये देखिए मैं आ गया हूँ बिठूर में श्री साईं दरबार, साईं बाबा के मंदिर में, जहाँ पे कितने श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। और आपको मैं बता दूँ, साईं बाबा के अगर आप भक्त हैं बहुत बड़े, तो गुरुवार का दिन माने एवरी थर्सडे अगर आप इनसे कोई भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कहेंगे तो ये ज़रूर करेंगे। बस आपकी अपनी भक्ति इनके ऊपर होनी चाहिए। तो मेरे तो सारे काम ये साईं बाबा करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि सामने किस तरीके से मार्केट पूरी लगी हुई है। यहाँ पे आपको प्रसाद भंडार, आपको फूल कलावा सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका सफ़र श्री साईं दरबार मंदिर में होने वाला है धन्य और ये सफ़र होने वाला है सुहाना। तो आइए चलते हैं साईं दरबार मंदिर के अंदर और आपको मैं कराता हूँ साईं भगवान के दर्शन। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि हम साईं दरबार मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे पूरा वातावरण जो है पूरा सानिध्य से पूरा एकदम बढ़िया बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि साईं भगवान से मेरे सारे काम निकलते हैं, सारे काम होते हैं। तो मेरी जो पूरी ज़िंदगी है वो साईं भगवान के ऊपर ही निर्धारित है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि साईं भगवान का जो मंदिर है यहाँ पर अगर आप आएँगे तो कितनी आपको पावन पवित्र वातावरण आपको मिलने वाला है। तो आप देख ही सकते हैं कि साईं भगवान किस तरीके से विराजमान है। और हम यहाँ पे जाएंगे और पंडित जी से भी हम बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, आपका अपना विप्टा लाइफ। तो हम इस समय आ गए हैं साईं दरबार मंदिर में और सामने जो बैठे हैं श्री साईं भगवान, जिनकी आँखों की जो तेज है उन्हीं से सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। और हमारे सामने पंडित जी भी हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा हमको जागरूक करेंगे कि ये साईं दरबार के थोड़े महत्व के बारे में बताएंगे और आपको अच्छी अच्छी थोड़ी सी बात आपको बताएंगे। तो पंडित जी से मैं आपका रूबरू कराता हूँ जो आपको बताएंगे साईं दरबार के दर्शन के नज़ारे। तो पंडित जी पहले तो आप अपना नाम बताइए और थोड़ा सा बताइए कि आप अपनी भूमिका यहाँ बताइए। और साईं जो इतने बड़े हैं, सत मानिए है, मेरे सारे काम साईं भगवान से होते हैं, हर गुरुवार मेरा सबसे बढ़िया रहता है। तो बस आप ये बताइए अपना नाम, अपनी भूमिका, और जो लोग साईं की शरण में यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़े से दो शब्द बोलिए। मेरा नाम राजू तिवारी है। हम यहाँ 2007 से बाबा के चरणों में सेवा में लगे हैं और बाबा के यहाँ जो भी भक्त जो भी इच्छा मनोकामना से आते हैं सबका मनोकामना पूर्ण होता है। और हमारा पूरा विश्वास है बाबा कलयुग में साईं के रूप में सबका कल्याण करते हैं, अब मदद करते हैं। जो भी इनको श्रद्धा भाव से जैसा पूजता है वैसे बाबा उनको फल देते हैं। तो पंडित जी ये बताइए मेरे दर्शकों को जो कि साईं भक्त भी हैं और मेरे वीडियोस भी देखते हैं, तो आप ये बताइए कि जो साईं मंदिर जो है ये कानपुर में बिठूर में ये कब बना और यहाँ पे किस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है? यहाँ गुरुवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और 20 मार्च 1994 में बाबा यहाँ आए, बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद से जो है कि आज तक बाबा यहाँ जो भी इच्छा से आता है सबका मनोकामना सिद्ध होता है। पंडित जी जैसे कि कहते हैं कि जैसे बाबा बोले कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे दूध चढ़ाइए, तो जो हमारे साईं बाबा हैं अगर आप इनके दरबार में आ रहे हैं तो कुछ ऐसी कोई खास सामग्री हमको लानी पड़ती है जिससे कि बाबा हमारे सारे दुख हर लेते हैं और हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि क्या ऐसी सामग्री या क्या ऐसा विधि विधान सब करना पड़ता है बाबा के लिए? बाबा के लिए कोई विशेष पूजा नहीं है, इनको सिर्फ अश्रद्धा भाव से बाबा को ध्यान और आराधना करिए। बाबा का दो ही मंत्र है, श्रद्धा सबूरी, विश्वास के साथ धैर्य के साथ इनको जो है याद रखिए
और आपका सब पूर्ण होगा। और यहाँ सिर्फ श्रद्धा सबूरी में दो पुष्प लेके आइए, बाबा के चरणों में अर्पण करिए, यही आपका सबसे बड़ी जो है प्रसाद है। और जो भी प्रसाद आप लाते हैं उसमें जितना भाव रहेगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आप ये जो देख रहे हैं ये बाबा की चरण पादुका है, तो यहाँ पे अगर आप इसको छू के, आपको सच में बताऊं कि आपके सारे दुख जो हैं वो हर जाएंगे, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं तो बहुत ही बड़ा भक्त हूँ इनका, तो मैं कहीं पे भी रहूं साईं बाबा को मैं ढूंढ ही लेता हूं। और जो हमारे पंडित जी हैं इनसे भी बातचीत करके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा जो ये सफल है जीवन सफल हो गया। बड़ा पवित्र वातावरण में पंडित जी ने हमको इस साईं के बारे में सब बताया कि साईं जो ऐसे भगवान थे, भगवान क्या वो पूरा मानव रूप में वो एक ऐसे इंसान थे जो कभी किसी से लेते नहीं थे, उन्होंने ना कभी लिया, सिर्फ एक ही चीज़ ली, लोगों का दुख। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो लोगों की बढ़ के मदद करें, लोगों का दुख लें, क्योंकि सुख में सब रहते हैं, दुख में कोई नहीं रहता, दुख में रहता है हमारा साईं। तो बस बने रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि हम आपको दिखाते रहेंगे कानपुर के और भी ऐसे बेहतरीन नज़ारे और धार्मिक स्थल। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कानपुर के इस सैर सपाटे का आनंद लीजिए। तो ये देखिए हमारे सामने साईं बाबा के छोटे से सेवक बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा हम इनके सामने आपको रूबरू कराएंगे। तो ये साईं बाबा के बारे में थोड़ी सी बातें इस चैनल के माध्यम से हम सबको बताने वाले हैं पंडित जी। सदा भवानी दाईने सन्मुकुलहे गए पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम यस्यां के चा विभाति भूधर सुतः देवा पगा मस्तके भाले पाल विधूर्चि गल इच गैदम यस्यो नसी व्यालराट सो अयम भूति विभूचरा सुवरा सर्वा विपा सर्वदा सर्वंगतां शिवां शस्निभां श्री शंकरा पातु माम। ओम श्री साईनाथ साक्षा शिव महादेवाय नमः। हरि ओम तत्पुरुषाद महे महादेवाय धीमहि तन्यो रुद्रः प्रचोदयात्। बाबा समस्त जीवों में व्याप्त है, समस्त प्राणियों में व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है, बाबा सबका उद्धार करने वाले हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। बाबा साक्षात शिव महादेवाय जो इनकी मन लगाकर सेवा करता है बाबा मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। केवल पूजा में केवल नाम ही स्मरण है। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं भगवान के मंदिर में किस तरीके से पवित्र वातावरण बना हुआ है, इस तरीके से पंडित जी ने पूरा माहौल बना दिया है, और इसी पवित्रता के साथ में आप मेरे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि साईं बाबा के साथ में आपका सफर जरूर से जरूर सुहाना होगा। तुम झाड़ू पोछा करते? झाड़ू पोछा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप यहाँ पे जो रहते हैं काम करते हैं आपको कैसा लगता है ये बताइए। अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। और आपका नाम बताइए पूरा। कुमार यादव। अब कहाँ से हैं? ये हम पतारा ब्लॉक है, हमारा गांव कनवापुर है।
तो देखिए इस तरह मैंने आपको पूरे साईं मंदिर का पूरा आपको भव्य आपको टूर दे दिया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैठक है, यहाँ पे कम से कम 500 आदमी यहाँ पे आराम से बैठ के साईं बाबा के दर्शन कर सकता है। दर्शन करने का सबसे बड़ा दिन होता है गुरुवार, जो कि है थर्सडे। तो अगर आप साईं बाबा के भक्त हैं बहुत बड़े, तो आपको गुरुवार में इस मंदिर में ज़रूर आना चाहिए और यहाँ के भंडारे का जो लंगर है वो आपको प्रसाद जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रसाद है जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इसी के साथ बस हम निकल आए इस मंदिर के बाहर में और आपको मैं ले चलूँगा अपने अगले गंतव्य स्थान पे। तो मेरे साथ बने रहिए, आप अपना विस्टर लाइफ।